Action. Yeah. Yeah. सेट पे गुजारे हैं, टाइम स्पेंड किया है, एक फैमिली बन चुकी है, एक बॉन्डिंग बन चुकी है एंड अपना आपका एक रोज का काम होता है। इट्स
एंड व्हेन योर शो गोज ऑफ एयर यू नो किसी को अच्छा लगता है क्योंकि आपका एक प्रोजेक्ट होता है, बट आई बिलीव हर शो की एक डेस्टिनी होती है, हर शो का एक फेट होता है. आप मतलब आई थिंक 7 महीने 8 महीने जो शो चल के जा रहा है, अपनी अच्छी छवि बना के जा रहा है, अपनी अच्छी फैन फॉलोइंग, अपनी अच्छी ऑडियंस बना के जा रहा है, एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ ही जा रहा है. ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिजास्ट्रसली चल रहा है और हमें निकालना पड़ रहा है. बट या एक अंदर की कुछ बातें होती हैं जो यू नो हर एक को नहीं पता होती, तो आप चाह के भी नहीं रोक सकते वो चीज़ें. तो आई थिंक सोनी इज कमिंग अप विद न्यू शोज एंड हमारा शो और कई और शो जा रहे हैं ऑफर, तो बुरा लग रहा है बट कहीं ना कहीं लग रहा है ठीक है, जितनी ज़िंदगी थी शो की उसमें हम सब एक्टर जिए, शो भी अपनी ज़िंदगी जिया और ठीक है, एक चैप्टर ख़त्म होगा, नया चैप्टर शुरू होगा. काफ़ी कुछ सीखा आई थिंक इस शो से. मैंने बनारस के कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीखा, बिकॉज एक अननोन चीज़ जब आप इस्टेब्लिश करते हैं, जो मेरे लिए अननोन थी बनारस, बिकॉज मैंने कभी स्टडी नहीं किया बनारस के बारे में, तो इस शो से काफ़ी कुछ सीखा, अपने कैरेक्टर के थ्रू काफ़ी कुछ सीखा. हंसी मजाक करता रहता हूँ मैं सेट पे, एक लाइट मूड मेंटेन करने के लिए, तो आई थिंक मैं बहुत हंसी मजाक वाला हो गया हूँ इस शो में. और यहाँ से लोगों से सिचुएशन से काफ़ी कुछ हुआ, पेशेंस बहुत सीखा मैंने, तो आई थिंक दिस शो हैज समवेयर मेड मी अ बेटर पर्सन. अच्छी चीज है, नहीं अच्छी चीज़ें हैं, तीन क्या बहुत सारी अनेक अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि सब कास्ट वाले साथ में बैठ के खाना खाते हैं, अपने अपने घर से अपनी अपनी फेवरेट चीज़ें लाते हैं, कोई किसी के लिए कभी कुछ ला रहा होता है कि तेरे लिए बना के लाया हूँ. एक वही होता है ना, जब आप 12 घंटा यहाँ पे रह रहे हैं, आप 12 घंटे तो अपने घर पे नहीं रहते, जब आप पैकअप करके घर जाते हैं आपके घर वाले सो गए होते हैं, जब आप सुबह निकल रहे होते हैं, तो एक एक्टर की लाइफ ईजी नहीं होती. और जब आप एक शो कर रहे होते हैं तो आपकी एक फैमिली बन जाती है शो पे, जो कि हमारी यहाँ बन गई है, तो ठीक है ये फैमिली टूटेगी, टूटेगी तो नहीं बट हाँ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली टूटेगी, बाहर मिलते रहेंगे, बट ठीक है. आई थिंक 4th शो है मेरा, तो कहीं ना कहीं मुझे वो आदत हो चुकी है. नहीं उसे मिस क्या करना, मेरे आसपास घर के पास ही रहती हैं और मैं उन्हें पहले से जानता हूँ, हमारे काफ़ी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो मिस क्या करना है, मिलते रहेंगे यार, बार मिलते रहेंगे. मैं अपने पुराने कोस्टार से भी अभी भी टच में हूँ, हम अभी भी मिलते हैं, अभी भी घूमते फिरते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी बातें करे, दोस्त दोस्त होते हैं, तो मिलते रहेंगे बाहर, उससे तो डेफिनेटली मिलूंगा. आई थिंक इस सेट पर सबसे क्लोज वही है मेरे. आने वाला प्रोजेक्ट है तो सही, बात चल रही है, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता, जब अखबार में आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा. नहीं यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट मुझे ऑफर्स भी आए हैं काफ़ी, हाँ मैंने कहा प्रोमो के बाद ही ऑफर्स आने लगे थे, बट कहीं ना कहीं मैं हरी नहीं करना चाहता, मुझे टीवी का फेज़ इंजॉय करना है, और जब इस फेज़ को मैं इंजॉय करके सेटिस्फाई हो जाऊँ फिर मुझे एक अलग चीज़ में घुसना है. तो आई थिंक मैं सिर्फ अभी 22 साल का हूँ यार, तो आई हैव एज ऑन माई साइड एंड 22 साल की उम्र में मैं अगर इतना भी काम करूँ तो ये मेरे लिए एक पार्ट ऑफ अचीवमेंट ही है. तो 22 साल का यार, अब थोड़ी मतलब जवानी थोड़ी टीवी में निकाल के, जब थोड़े साल हो जाएंगे जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, जब ऐसा लगेगा और कुछ क्रिएटिव नहीं लग रहा करने के लिए, तब मैं सोचूंगा फिल्मों के बारे में. जी कुछ नहीं, दर्शकों की वजह से यार शो जो है अपना 7-8 महीना अच्छा खासा जिया है. कई शोज ऐसे भी आए हैं जो हमारे बाद आके हमसे पहले ऑफेयर हो गए हैं, तो दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आपने मुझे हर शो में सपोर्ट किया है, चाहे वो ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा ही क्यों ना हो, चाहे वो 2 दिल 1 जान ही क्यों ना हो, चाहे वो हम है ना ही क्यों ना हो, तो आई एम रियली हैप्पी कि एटलीस्ट मेरी एक फिक्स्ड ऑडियंस बन चुकी है जिनका फीडबैक मुझे जेन्यूनली आता है 2 सालों से, तो आप ही लोगों की वजह से यू नो मुझे मोटिवेशन मिलती है. मैं आपके मैसेजेस पढ़ता रहता हूँ फेसबुक पे, ट्विटर पे, जितना हो सके रिप्लाई भी करता हूँ, और आई एम रियली हैप्पी कि आपने शो को पसंद किया, और जितना भी वक्त मैंने आपके साथ एज बंटी गुजारा वो मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेंगे और हमेशा मेरे साथ रहेंगे,
तो इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, और अगले शो में मिलेंगे और धमाल करेंगे।